हेलो और वेलकम टू स्टडी न्यूज़। स्काई रूट्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है अपने मल्टी स्टेज रॉकेट इंजन का। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है और 2021 तक ये अपने फर्स्ट कंप्लीट रॉकेट को लॉन्च भी करेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज़ की। तो जो हमारे देश में इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे। और प्राइवेट कंपनीज़ में स्काई रूट एयर स्पेस, टीम इंडस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस और ध्रुव स्पेस हैं। ये सभी स्पेस के क्षेत्र में कार्य करती हैं। बात करें स्काई रूट एयर स्पेस की तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अपने अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम रमन रखा है उसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। इसमें इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, ना कि कोई सैटेलाइट ऑर्बिट किया है अपने लॉन्च व्हीकल से। स्काई रूट की स्थापना इसरो के कुछ पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित की गई है। स्काई रूट एरोस्पेस भी स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, जिसमें ये तीन प्रकार के लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, जिसमें विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 है। इन्होंने कहा है कि वी डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 100% 3D प्रिंटेड बाई प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर। यानी ये कहते हैं कि 100% 3D प्रिंटेड बाई प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर का प्रदर्शन किया है। इससे अगर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का कंपेयर किया जाए तो ये 50% मास वैल्यू में 50% की कमी की गई है और कंपोनेंट की संख्या भी 80% तक कम की गई है। इस कंपनी के को फाउंडर और CEO पवन कुमार चंदाना कहते हैं कि ये इंजन सक्षम है वेरियस सैटेलाइट्स और मल्टीपल ऑर्बिट्स के लिए। यानी ये सिंगल मिशन में ही मल्टीपल ऑर्बिट्स में वेरियस टाइप के सैटेलाइट ले जा सकता है। इन्होंने बताया कि आने वाले 6 महीनों में ये रॉकेट के अगले 2 चरणों पर भी कार्य करेंगे और उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये स्काई रूट एरो स्पेस की फैकल्टी है जिन्होंने ये कार्य किया है। इसमें यहाँ पर जो ये बैठे हुए हैं इन्हीं का नाम है पवन कुमार चांदना। ये इसरो के पूर्व इंजीनियर हैं और ये इसरो में वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट सॉलिड रॉकेट स्टेज के डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर भी रह चुके हैं। इन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है। स्काई रूट लॉन्च व्हीकल गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल फंक्शंस, टेस्टिंग्स, ऑन बोर्ड एवियोनिक्स मॉड्यूल्स पर इस वक्त काम कर रहे हैं और इनका टारगेट 2021 में लॉन्च व्हीकल कंप्लीट करने का है। जो इनका पहला लॉन्च व्हीकल बनेगा उसका नाम रखेंगे विक्रम 1। अभी हाल ही में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने अलाउ किया है कि इसरो की टेस्टिंग एंड लॉन्च रेंज फैसिलिटीज़ का प्राइवेट कंपनीज़ उपयोग कर सकती हैं। तो इसका स्काई रूट को फ़ायदा मिलेगा और स्काई रूट इसरो के एक्सपीरियंस से भी काफ़ी बेनिफिट्स पा सकता है। स्काई रूट ने अपने स्टार्टअप में 31 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और 2021 से पहले ये 90 करोड़ तक जुटाने की तैयारी में है। इनकी कंपनी में मुकेश बंसल, जो माइंत्रा के संस्थापक हैं, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इससे हमारे देश के स्पेस प्रोग्राम्स को काफ़ी मदद मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज़ को भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये थी पूरी जानकारी स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।